Good evening, everyone. Today we are going to start with problem number 24. Yes or no? Yes, sir. Fine. Problem number 24 padhte hain. If Shyam sees the rising sun behind the temple, temple ke piche suraj ug raha hai. Suraj kahan se ugta hai? Which direction? ईस्ट ईस्ट मतलब टेंपल के पीछे क्या है? ईस्ट ईस्ट तो टेंपल के सामने क्या होगा? वेस्ट वेस्ट होगा. राइजिंग सन बिहाइंड द टेंपल एंड द सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस. What is the direction of the temple from the railway station? Obviously, east ki taraf hoga na. Agar ye mera temple hai, to ye mera railway station hai, aur ye mera ghar hai. This is my temple, railway station, ghar. Yahan se suraj ugte hue dekh raha hu. Yahan se suraj dubte hue dekh raha hu. Rising from the east, setting in the west. Clear hai? Problem number 24, sabko clear karo. Koi doubt hai to pucho. शैडो का क्या रूल है? जल्दी बताओ. व्हाट इज द रूल ऑफ शैडो? इन द मॉर्निंग द शैडो ऑफ गोल गुंबाज फॉल्स ऑन द बाराकमन एंड इन द इवनिंग Barakaman falls on the Gol Gumbaz. तो अगर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है तो गोल गुंबाज कहां होगा? बच्चा पार्टी गोल गुंबाज यहां होगा. यस सर. और ये मेरा बाराकमन होगा. इसका शैडो यहां फॉल कर रहा है. इसका शैडो यहां फॉल कर रहा है. तो गोल गुंबाज टू बाराकमन. तो बाराकमन के ईस्ट में है गोल गुंबाज. रूल ऑफ शैडो है सन के ऑपोजिट डिरेक्शन में फॉल करेगा. सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉल करेगा. क्लियर है यहां तक? यस सर. चलिए. दिवेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट
वॉक 4 miles towards south. एक पॉइंट से स्टार्ट किया, साउथ चला 4 kilometers. राइट लिया, साउथ से राइट मतलब वेस्ट के तरफ क्लॉकवाइज, एंड देन ही टर्न्स, देन ही टर्न्स व्हाट, वेस्ट से वो क्या ले रहा है, लेफ्ट ले रहा है, मतलब वापस साउथ की तरफ. इस तरफ चल रहा है, अब यहां से वो टर्न बैक हो जा रहा है, तो वो क्या फेस करेगा, नॉर्थ. साउथ फेसिंग था, फिर वेस्ट फेसिंग हो गया, फिर साउथ फेसिंग आया, अब टर्न बैक कर रहा है, तो क्या हो जाएगा. नॉर्थ हो जाएगा ना, यस और नो. यस सर. मुरली वॉज फेसिंग ईस्ट 6 kilometers फॉरवर्ड, ईस्ट से राइट साउथ 4 kilometers, राइट वेस्ट की तरफ, एंड देन टर्न बैक ईस्ट. जिस डिरेक्शन में आप फेस कर रहे हो वहां से घूम जाओगे तो ऑपोजिट डिरेक्शन फेस करोगे ना, तो इसका डायग्राम ऐसा बन रहा है, दिस 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 एंड देन टर्न बैक. क्लियर है, पहले बताइए यहां तक. यस सर. सबके पास ये वाला पीडीएफ है, यस और नो. यस सर है. चलिए प्रॉब्लम सेट 1 ट्राई करिए. एक चीज आपको मैं सिखाऊंगा आज, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्या निकालने बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या निकालने बोला है, वो किस तरफ फेस कर रहा है ना. तो ऐसे बना लो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. अब मेरा बात ध्यान से सुनो, नॉर्थ से राइट मतलब ईस्ट में है, फिर से राइट मतलब साउथ में है, फिर से राइट मतलब वेस्ट में है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट. तो डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, ये जितना भी प्रॉब्लम है ना सब में ऐसे वाला टेक्निक यूज करो. चलो एक और ट्राई करते हैं. मैंने ये बनाया नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है,
पहले नॉर्थ गया, नॉर्थ का राइट मतलब ईस्ट में आ गया, फिर राइट गया तो साउथ में आ गया, फिर राइट गया तो ईस्ट में आ गया, वेस्ट में आ गया, वापस से राइट गया मतलब मैं कहां हूं, मैं नॉर्थ में हूं। क्लियर है अंजलि अनमोल? यस सर। ये इजी टेक्निक हो गया ना, डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। राइट बोलेगा तो क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, लेफ्ट बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। चलिए कंप्लीट करिए, ये पूरा सेट में खाली वही है। टिल क्वेश्चन नंबर 15, चलिए कंप्लीट करिए फटाफट, नॉट मोर देन 60 सेकेंड्स पर प्रॉब्लम। सात सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कीप राइटिंग योर आंसर इन चैट बॉक्स। आंसर शुड बी विथ रेफरेंस टू क्वेश्चन नंबर, ऐसे कैसे समझ में आएगा किसका आंसर क्या है। थर्ड का आंसर ईस्ट आ रहा है क्या? वेरी गुड। किसी भी सम के स्टार्टिंग में ऐसे बना लीजिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, राइट बोलेगा तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट बोलेगा
सबका कहां तक हो गया आप कमेंट करिए, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव ऑफलाइन ऑनलाइन अटेंड कर रहे सेशन कमेंट करिए कहां तक हो गया। तीन स्टूडेंट का मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है। कौशल, आई गेस पीडीएफ इज देयर इन द ग्रुप, जिनका हो गया है वो ग्रुप से पीडीएफ फॉलो कर सकते हैं। बेटा हो रहा है मेरे को पता है, कितना नंबर तक हुआ वो बताओ। नाइन का होगा साउथ, टेन का हो रहा है वेस्ट। इलेवन का भी है वेस्ट। थर्टीन का आंसर है नॉर्थ। ट्वेल्व का ईस्ट आ रहा है। एक बार फोर का आंसर बोलो ना क्या आ रहा है, कोई अनम्यूट करके फोर का आंसर बोलो ना क्या आ रहा है। बेस्ट, फोर का वेस्ट, फाइव का ईस्ट, सिक्स का नॉर्थ, सेवन का साउथ, साउथ, एट का सर एट और नाइन भी साउथ है, नाइन भी साउथ है। अपने को करना है 14, 15। कितना भी कुछ दिखा रहा है सब में रेस्ट ले रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन टाइप देखो क्या है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग।
14 का आंसर कितना आ रहा है? साउथ। फिफ्टीन का नॉर्थ आ रहा है क्या? सिक्सटीन नंबर भी सेम है, खाली क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है, पूछने का तरीका अलग है। वेरी गुड, 16 का आंसर ईस्ट आएगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द टेक्निक, आपको क्या करना है, ये वाला डायरेक्शन बना लेना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्लियर है? चलिए अब क्या पूछ रहा है, इन विच डिरेक्शन द चाइल्ड इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। यहां डायग्राम बनाना पड़ेगा, यहां बिना डायग्राम बनाए नहीं चलेगा, यहां डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं डिस्कशन ग्रुप में सबसे पहले इस स्तंभ का डायग्राम कौन बना के भेजेगा। 17 नंबर क्वेश्चन का फिर मैं बनाऊंगा, मैं आप ही लोग से सीख के बनाऊंगा। जो भी डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर बनाएंगे विथ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले मैं नॉर्थ गया 30 फीट, नॉर्थ से राइट 45 फीट, फिर राइट 50 फीट, अब यहां से लेफ्ट, साउथ से लेफ्ट ले रहा है मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितना 25 फीट, फिर लेफ्ट नॉर्थ की तरफ जा रहा है 25 फीट, फिर लेफ्ट 25 फीट। ये फाइनल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट इज टू द वेस्ट ऑफ द फाइनल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हिसाब से देखिए तो खाली 5 फीट का डिफरेंस है, तो आप इसको साउथ वेस्ट
नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। चलिए करिए 18, 19, 20 ये वाला अप्रोच से होगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हाँ या ना? सिमिलर टाइप है कि नहीं है, कि अलग है कुछ? एटीन का आंसर नॉर्थ है, नाइनटीन का बच्चा लोग बोल रहा है वेस्ट है। ट्वेंटी का बोल रहा है नॉर्थ है। चलिए सेट टू, डायग्राम बना के करना है, सब में डायरेक्शन पूछा है, फेसिंग नहीं पूछा है। आई वॉन्ट परफेक्ट डायग्राम, और आप लोग भेज क्यों नहीं रहे डायग्राम? आप लोग को डायग्राम भेजना है। पहले ईस्ट है, ईस्ट का लेफ्ट साउथ हो जाएगा। साउथ का राइट ना, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ हो जाएगा ना। हाँ, ईस्ट का लेफ्ट तो नॉर्थ होगा। आई एम फेसिंग ईस्ट, नाउ आई टेक अ राइट। ही इज जस्ट फेसिंग ईस्ट, ही इज नॉट वॉकिंग। जनरली क्या हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग ये मान के चलते कि आदमी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, बट यहां पर स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ही इज फेसिंग ईस्ट, देन ही टर्न्स लेफ्ट, मतलब नॉर्थ की तरफ जाना है 11 मीटर। नॉर्थ से राइट लेना है मतलब ईस्ट की तरफ 6 मीटर, ठीक है, एंड देन गो 6 मीटर टू द साउथ, 6 मीटर टू द वेस्ट। तो पूरा ऐसे एक स्क्वायर बन जाएगा,
इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो सेट टू है ना, पहले वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है बट वो राइट टर्न ले लिया है, लेफ्ट ले लिया है 11 मीटर, ये मेरा 11 मीटर है। अब हमको जाना है 6 मीटर, 6 6 6, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच डिरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, तो आई एम टू द नॉर्थ, ओरिजिनल प्लेस के नॉर्थ में मैं हूं। आप लोग का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर टू का नॉर्थ आया है ना? यस सर। और क्वेश्चन नंबर वन का? सर वेस्ट, ऑप्शन सी। तुम लोग डायग्राम नहीं भेज रहे, डायग्राम बना दिया क्या तुम लोग? हाँ बनाया सर। वन टू में कोई डाउट है किसी को? सारा सम्स वैसे ही करिए, बट मेरे को डायग्राम चाहिए ग्रुप में। वन का आंसर वेस्ट है क्या? यस आशी, अनमोल। यस सर वन का वेस्ट है। वी का आंसर क्या आ रहा है? साउथ। सिर्फ आशी भेजी है आंसर, बाकी
फोर का साउथ आ रहा है, डायग्राम बना रहे कि नहीं बना रहे आप लोग? तो ग्रुप में क्यों नहीं भेज रहे आप? अभी तक पांच सम का बना लिए होंगे ना आप, डायग्राम भेजिए ग्रुप में। नाइन किलोमीटर साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। फाइव का क्या है साउथ? साउथवर्ड्स गया, राइट गया, लेफ्ट गया, फिर से राइट गया। स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? वॉक्स साउथवर्ड्स होगा। वेरी गुड अनमोल। एक मैं आपको पॉइंट बोलूंगा इसमें, स्टार्टिंग पॉइंट सर्कल करके एसपी, एंडिंग पॉइंट सर्कल करके एफपी, ये लिखने का हैबिट डालिए। ओके सर, ठीक है। मैं साउथवर्ड जा रहा था, फिर मैं राइट, साउथ का राइट तो ये हो गया वेस्ट, फिर मैं लेफ्ट, फिर वापस से राइट। सिक्स का क्या होगा? ए होगा क्या? वैसे साउथ वेस्ट होना चाहिए। एक्चुअली कितना डिस्टेंस नहीं दिया है ना, तो टेक्निकली हम लोग उसको आंसर साउथ ही लिखेंगे। डिस्टेंस देता तो फिर तुम बोल सकता था साउथ वेस्ट। ओके सर, जैसे मान ले अपने गली में जाते हल्का सा बायां लेके दाहिना ले लिया, हल्का सा दाहिना लेकर बायां ले लिया, तो वो फिर वो साउथ वेस्ट थोड़ी चला गया, वो तो उसी पैरेलली उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यस सर। जैसे देखो मैंने पहला वाला जब मैं डायग्राम बनाया था तो मेरा भी साउथ वेस्ट आ रहा था, फिर मैंने नोटिस किया कि यहां तो डिस्टेंस नहीं दिया है, तो देखो मेरा जो सेकेंड डायग्राम है उससे तो ये वेस्ट साउथ में है ना। यस सर। सिक्सटीन किलोमीटर नॉर्थ गया, ईस्ट में ग्यारह, बुल वेस्ट में ग्यारह, फिर साउथ में छह, फिर ग्यारह। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। नॉर्थ में सेवन का आंसर नॉर्थ आ रहा है सबका? यस सर।
सेवन का सी है, एट करो, नॉर्थ गया, लेफ्ट गया, साउथ, फिर अमृत श्याम। एट का आंसर क्या होगा? ईस्ट होगा क्या? यस सर। हाँ, अमृत पहले नॉर्थ गया, फिर वो लेफ्ट लेके वापस साउथ आया, तो पैरेलल ही है ना दोनों। ये श्याम का हाउस है, ये अमृत का हाउस है, तो अमृत का हाउस इसके ईस्ट में है ना। नाइन का आंसर क्या होगा? टेन तो है ही नहीं अनमोल, तुम टेन कहां से कर लिया? नाइन का आंसर नॉर्थ आ रहा है क्या? एट का ए, नाइन का सी, नाइन का बी है। देखो कहां गड़बड़ हो रहा है। राजू वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन टर्न टू हिज लेफ्ट, मतलब नॉर्थ के तरफ 3 किलोमीटर, ही टर्न राइट। सर लेफ्ट तो साउथ की तरफ होगा ना? हाँ यहां से वो राइट लिया है, मतलब वेस्ट की तरफ। अब वेस्ट से राइट ले रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है, तो ही टू द वेस्ट ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। यस सर। क्लियर? तो मैं डायग्राम सारा भेज दो बचा हुआ अभी ग्रुप में, ठीक है? होमवर्क लिख लीजिए टिल पेज नंबर 2.14 होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। होमवर्क है चैप्टर 1, चैप्टर 2, और सैटरडे आपका मॉक टेस्ट है इसी 2 चैप्टर के ऊपर में। 25 क्वेश्चन रहेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। फाइन, चलिए टेक केयर। थैंक यू सर।